हमारे पास जो फ्लैट स्टार्ट होते हैं 2 BHK 15 लाख से लेके 24 लाख 25 लाख तक के जाते हैं। पर अगर क्या हो, अगर आप लोग एक 16 लाख या 22 लाख का कोई फ्लैट लेते हो, उसमें एडिशनल आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए 2,67,000 का, तो कैसा हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने कहा था कि अगेन हम आप लोगों के लिए एक ऐसा 2 BHK फ्लैट लेके आए जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता रहे और बहुत ही प्रीमियम भी रहे। तो आज की इस वीडियो में जो मैं फ्लैट दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही सस्ता रहने वाला है और 2,67,000 का एडिशनल डिस्काउंट बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है, उसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में और लोकेशन के बारे में। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, इसी बिल्डिंग के अंदर में आपको आपके सपनों का 2 BHK का चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट फ्लैट दिखाने वाला हूँ। पर उससे पहले बिल्डिंग के अंदर चलने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो है MM रोड है अपनी, इस ये जो फ्लैट मैं दे रहा हूँ MM रोड पर रहेगा, मेन मार्केट का ये रोड आप लोगों को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रॉडनेस देखोगे, गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं, फिर भी बीच में से 2 कार्स आराम से जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस है। 35 फीट का ये आप लोगों का मेन रोड मिलता है एंड साइज़ ये आगे चल के बढ़ने वाला है, तो स्पेस हमने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिल जाती है, ये शॉप्स वगैरह आप देख पा रहे हो, पूरी कॉमर्शियल बेल्ट है आप लोगों की, तो शॉप्स वगैरह बिल्कुल पास में मिल जाता है आपको। एंड एक छोटा सा टेम्पल भी आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग अगर टेम्पल वगैरह जाना चाहते हो, घर के बिल्कुल पास में ये सारी चीज़ें, आपका स्टोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें होगी, तो जितनी भी दुकानें होती हैं आपको चाहिए होती हैं अपने घर के आसपास, सारी चीज़ें आपको इस MM रोड पे मिल जाएंगी। चलिए अंदर की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस फ्लैट में एक बेनिफिट और है, आप लोग कहते हो भैया कार पार्किंग बाइक पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती है, जी यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि इस फ्लैट के अंदर हमने आपको 2 व्हीलर पार्किंग के साथ साथ 4 व्हीलर पार्किंग का भी ऑप्शन दिया है। सबसे पहले स्पेसेस देखोगे तो स्पेस अच्छा खासा आपको मिलता है, 2 व्हीलर की पार्किंग आराम से हो जाएगी। एंड 4 व्हीलर के लिए उस साइड देख सकते हो, वहाँ पे 4 व्हीलर की पार्किंग का एरिया हमने दिया हुआ है, वहाँ पे 4 गाड़ियाँ आराम से लग जाएंगी और बाहर की तरफ भी स्पेस आपको मिलता है। चलिए अब जानते हैं यहाँ की कुछ फैसिलिटीज के बारे में। बसावट की बात की जाए तो बसावट आपको बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मिलती है, आज ही मैं दिखाता हूँ इस साइड से। ये देखो कि कितना खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलता है आपकी छत से इस फ्लैट के, और यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से आपको बसावट देखने को मिलती है। जितनी भी यहाँ पे बसावट है ना, सब में अच्छे लोग रह रहे हैं, अच्छी फैमिली के लोग रह रहे हैं, एक बहुत अच्छी सोसाइटी रहने वाली है। सोसाइटी से अब आप लोग जानना चाहते हैं कि ये लोकेशन का है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ 11 वाट होम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फ्लैट दिखाने वाला हूँ, बहुत ही लग्जरी और बहुत ही अच्छे सेपरेट साइज में रहने वाला है। पर सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए तो आप लोगों को ये DLF अंकुर विहार में मिलता है, जो कि दिल्ली से बिल्कुल 0 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये फ्लैट मिलेगा, बहुत ही चीपेस्ट फ्लैट है 2 BHK का और काफ़ी लग्जरी सेगमेंट भी आपको ये फील कराएगा। ये जो फ्लैट है ये DLF के अंदर रहने वाला मेन, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है, जो आपको यहाँ रोडें मिलती है बहुत ही ब्रॉड रोड्स मिलती है। सबसे पहले जब आप लोग एंट्री करते हो यहाँ पे अंदर की तरफ आते हो, आते ही आपको एक चौड़ी रोड दिखाई देती है जो कि है 40 फीट की। अंदर धीरे धीरे आप आओगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड तो आपको सारी दुकानें मिल जाती हैं जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। प्लस अगर आप लोगों को और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि मंदिर चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल मंदिर मिल जाता है। पार्क अगर आपको चाहिए तो पार्क बिल्कुल सामने देख सकते हो, घर के सामने ही आपको यहाँ पे पार्क भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर्स मिल जाते हैं, ATMs मिल जाते हैं, स्कूल्स की बात करें तो कम से कम 3 स्कूल तो इस DLF के अंदर अंदर ही हैं, बाकी कॉलेज वगैरह आपको आसपास में मिल जाते हैं। अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हैं और बिल्डिंग का बाहर का नज़ारा तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ कितनी चौड़ी रोड है। पर अब बात की जाती है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको घर से जाना है कहीं, जॉब ऑफिस कहीं भी जाना है, तो आप लोग सोचते हैं कि एक आपको एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिले जहाँ से आप हर जगह जा सकें, तो बिल्कुल हाँ दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। पहले आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं, 2 मेट्रो स्टेशन मिलते हैं, एक आपको शिव विहार मेट्रो स्टेशन मिलता है जो करंटली अभी रनिंग में है, दूसरा आपको खजूरी का मेट्रो स्टेशन मिलता है जो कि अभी काम चल रहा है, तीसरा अगर मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो कश्मीरी गेट है, थोड़ा सा डिस्टेंस है पर 3 मेट्रो अगर माने जाए तो 3 मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। अब बात की जाएगा रेलवे स्टेशन की, तो आपको यहाँ खरखरी नुसरताबाद प्लस लोनी का रेलवे स्टेशन मिलता है, 2 रेलवे स्टेशन भी हो गए। आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। DLF अंकुर विहार काफ़ी ब्रॉड रोड आपको देता है। अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आप लोगों को पता होगा 15 फीट 10 फीट की रोडें होती हैं, बट अगर आपको 30 फीट की रोडें मिल रही है, 35 फीट की 34 फीट की रोडें मिल रही है, तो क्या बेटर होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, DLF अंकुर विहार ही बेटर होना चाहिए।
तो ये सारी कनेक्टिविटी है। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं आप लोगों का, चलते हैं नीचे, दिखाता हूँ मैं आपका सपनों का घर, आपका 2 BHK का फ्लैट। पर नीचे चलने से पहले बहुत से भाइयों का क्वेश्चन होता है, भैया क्या टंकी हमारी एक ही होगी? नहीं जी, यहाँ देखोगे जितने भी यहाँ पे फ्लोर्स में घर हैं सभी के सेपरेट टंकी ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। अब बेनिफिट का सबसे मुख्य रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फ्लैट लेने का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से जा रहा है और वो रेडी होते आप लोग अगर यहाँ पे रेंट पे चढ़ाना चाहते हो, बहुत ही अच्छा खासा रेंट इनकम भी आपके पास यहाँ पे मिलता है, प्लस आप लोगों का इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन है, आप चले नीचे। जी हाँ चलते हैं। ये आपकी स्पेसियस यहाँ पे देखोगे, स्टेयर्स मिल जाती है, SS की रेलिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और आगे तरफ आओगे तो ये आप लोगों का रहेगा मेन एंट्रेंस। ये जो 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये रहेगा आपका बैक एंड साइड का, पीछे की तरफ का रहेगा। और सबसे पहले ये एक लॉबी सेक्शन एरिया देखो, बहुत ही प्यारे एक लॉबी सेक्शन एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। आप लोग यहाँ पे भी अपना कुछ सेटअप कर सकते हो, वॉलपेपर के ऊपर भी आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर हर फ्लैट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम आपको वर्क कैसे करके दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हाइट की आप बात करते हैं तो यहाँ देखोगे 6.5 फीट तक को आपको यहाँ पे हाइट दी गई है, प्लस यहाँ पे हमने मिरर वर्क किया हुआ है। अंदर की तरफ से ये जो देख पा रहे हो ये लोहे का हमने जाला लगा के दिया हुआ है, उसके बाद ये गेट है वुडन का, अच्छा खासा वर्क हमने करके दे रखा है, अच्छे मटेरियल्स के इसके अंदर हमने स्टेनलेस स्टील के आपके लॉक्स यूज़ कर रखे हैं। ये हम लोगों का एक फ्लैट एंट्रेंस हो गया। जैसे आप अंदर की तरफ आओगे अपने फ्लैट के, तो ये बहुत ही स्पेसियस और ओपन साइज का फ्लैट आप लोगों के लिए हम लेके आए हुए हैं। और सबसे पहले अगर आप साइज़ को देखते हो तो वहाँ पे वो कॉर्नर स्टार्ट होता है नीचे से, हाँ ठीक है, और वहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा आप लोगों को डाइनिंग स्पेस एरिया मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा स्पेस है, डाइनिंग स्पेस एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर साइज़ की बात करता हूँ इस डाइनिंग स्पेस एरिया की, तो 12x14 का ये डाइनिंग स्पेस एरिया, जी हाँ दोस्तों 12x14 का बहुत ही स्पेसियस साइज़ आपको इसमें रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, लोग पसंद करते हैं अपने डाइनिंग स्पेस एरिया का फॉल सीलिंग। तो सबसे पहले फॉल सीलिंग अगर आप लोग देखोगे तो वुडन स्ट्रक्चर का यहाँ पे हमने कलरिंग का यूज़ किया हुआ है, डबल टोनिंग स्टाइलिंग हमने दी हुई है, प्लस एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी, जो लाइट्स है आप लोगों को वॉल माउंट लाइट यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज़ हमने यहाँ पे और इनहेंस की है, जैसे मेरे भाई कुछ बोलते थे भैया हमें टेंपल का एक इस सेपरेट स्पेस चाहिए, तो एक छोटा सा स्पेसियस इसी के यहाँ पे हमने ये दे दिया है। और यहाँ पे हमने स्विचिंग दे दी है, जो यहाँ पे आप अपना टेंपल भी बना सकते हो या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और ये स्विचिंग इसके जस्ट ऊपर की तरफ आओगे, यहाँ पे हमने एक मून बोल टाइप का दे दिया है, जो कि और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है आपके इस 2 BHK फ्लैट की ब्यूटी को, ठीक है। आप लोग सोचेंगे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2,70,000 का एडिशनल डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, तो अभी बने रहो, वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ, कैसे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है, ओके। एंड देन यहाँ पे हम सेपरेट इस बार क्या कर रहे हैं, डाइनिंग स्पेस एरिया में ही हम आपको सेपरेट सिंक दे देंगे, जिसके लिए आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, खाना खाते ही डायरेक्टली आप इधर आ जाओगे। तो ये स्पेसियस सेपरेट आपका सिंक यहाँ रहेगा, ये आपका आ जाता है कॉमन वॉशरूम, ठीक है। पूरा टाइलिंग का वर्क हमने किया हुआ है यहाँ पे, और 8 फीट तक की टाइल्स आपको देखने को मिलती है। प्लस इस बार हमने क्या किया है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खिड़की दे दी है, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के यहाँ के अंदर की वेंटिलेशन को ख़त्म करने के लिए। पर इतना नहीं, इस बार मैंने आप लोगों के लिए दोनों ही रूम्स, जो आपके दोनों रूम हैं उनमें भी खिड़कियाँ कर ली हैं। हमेशा एक रूम में एक आपको खिड़की मिलती थी वेंटिलेशन के लिए, बट इस बार दोनों में मिलने वाली है। आ जाते हैं किचन सेक्शन एरिया में, तो ये आपका ओपन फुल्ली मॉड्यूलर किचन रहने वाला है, देख सकते हैं ये पूरा मॉड्यूलर किचन है। वेंटिलेशन के लिए अगेन मैंने यहाँ पे खिड़की आप लोगों के लिए लगवा दी है, आपको खिड़कियाँ मिलेंगी, प्लस यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर वगैरह अगर आप यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो। एंड यहाँ पे टाइल्स का वर्क हमने करके दिया हुआ है प्रॉपरली। आ जाते हैं अगेन अपने जो इम्पोर्टेंट किचन की नीड होती है, वो होती है आपका कुकिंग सेक्शन एरिया। तो इस कुकिंग सेक्शन एरिया में मार्बल की बात करूँ, जो हमने इस पे लगा रखा है डबल टोनिंग लेयरिंग मार्बल का यूज़ किया हुआ है हमने, देख सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ से पूरा ये एक ही सिंगल सिल्ली है, जी हाँ दोस्तों एक ही पूरा सिंगल सिल्ली आप लोगों को मिल रही है, बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं है। इसके एक बेनिफिट और आप लोगों को मिल जाता है, ये प्रॉपरली आप लोगों का स्क्रैच प्रूफ है, जी हाँ दोस्तों स्क्रैच प्रूफ है, लॉन्ग लाइफ आपको वारंटी इसकी मिल जाती है। प्लस यहाँ पे हमने टाइल्स दे रखे हैं, जो कि कुकिंग फूड स्ट्रक्चर प्रिंटिंग इसके अंदर हो रखी है, जो और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है आपके इस किचन सेक्शन एरिया को। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका
वॉशिंग सेक्शन दे दिया है क्रॉकरीज का, यहाँ पे आपके टैप्स वगैरह सब लग के मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक स्पेसियस स्विच दे दिया है जो कि आपका जो इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया या फिर इलेक्ट्रिक जो भी है होगा आप उसका यूज़ यहाँ कर सकते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ सेक्शन पर आप देखोगे कि हमने स्पेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आज ये मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का प्रॉपरली वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देख सकते हो। इसमें भी स्टेनलेस स्टील का वर्क करके दिया हुआ हमने। और स्पेस की बात की जाए तो आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सेक्शन हो, इस साइड आप लोगों का चिमनी सेक्शन एरिया है। पर स्टोरेज सेक्शन एरिया की बात की जाए तो अगेन हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा स्पेस देते हैं। कैबिनेट्स दे सकते हो, काफ़ी ब्रॉड कैबिनेट्स हैं। बाकी अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो सामान ऊपर भी रख सकते हो, इसी तरह सेम यहाँ पे भी रहेगा। तो ये आपका डाइनिंग हो गया, ये आपका किचन हो गया, ये आपका सिंक हो गया। अब आते हैं आप लोगों के मास्टर बेडरूम में, सेकेंडरी रूम। मैं थोड़ा सा रुक के दिखाऊंगा आपको। ये आप लोगों का रहेगा मास्टर बेडरूम। साइज़ की सबसे पहले बात की जाए तो वहाँ से गेट से लेके यहाँ तक के अगर साइज़ देखोगे तो 10x11 का आप लोगों को साइज आता है। जी हाँ दोस्तों, 10x11 का साइज। फॉल सेलिंग में अगेन वुडन स्ट्रक्चर फीलिंग्स हमने दी है, आपको पूरा फील वुडन टाइप का ही आएगा। एंड स्पेसियस स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर अभी हमने लगाया नहीं है, पर अगर आप जो बोलोगे वही सेम वॉलपेपर हम आपको यहाँ पे लगा के देने वाले हैं, ये आपका हो गया। एंड अगेन यहाँ पर आपको मिलता है कॉमन अटैच वॉशरूम जो कि स्पेसियस स्पेस मिल जाता है। 4x6 का ही आप लोगों का साइज रहने वाला है दोस्तों। एंड टाइल्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे हमने 8 फीट तक की टाइल कर रखी है। और यहाँ पे सारी चीज़ें ला के देने वाले हैं, जैसे कि आपके टैप्स हो गए, आपके शावर हो गए, गीजर स्विचिंग हो गए, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको रेडी टू मूव करके देने वाले हैं। अभी जो है यहाँ करंटली हमने वेस्टर्न शीट लगाई है और कॉमन वाले में हमने इंडियन शीट लगाई है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे खिड़की मिल जाती है। अगेन हमने यहाँ पे लोहे के ग्रिल्स का यूज़ कर रखा है, देख सकते हो। और मैं आपको आपके बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, बिकॉज ये बैक एंड साइड का फ्लैट है तो ये प्रॉपरली आपका क्लोज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन नहीं मिलेगा, ये क्लोज रहेगा उस साइड से दूसरे पर्सन का है, और ये आपका इस साइड से क्लोज। ऊपर की तरफ हम आपको लाइट्स वगैरह लगा के देंगे। एंड यही आपका क्लोथ वॉशिंग सेक्शन एरिया रहेगा, जैसे कि स्विच हमने यहाँ लगा के दे रखा है। यहाँ पे आपका टैब हो जाएगा, ये आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है। सो अभी आप क्लोथिंग्स वगैरह वॉश कर सकते हैं। सो ये आप लोगों का हो गया पहला रूम। चलिए आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों का सेकेंडरी रूम जो कि रहेगा इस साइड। एक रूम उधर हो गया, एक रूम इस साइड हो गया। स्पेस जैसे मैंने बोला था, बहुत अच्छा स्पेस ये आप लोगों के लिए। आ जाइए इधर, यहाँ पे अगेन आपको सेम ही स्ट्रक्चर, सेम ही टाइल्स का यूज़ किया हुआ है हमने। 10x11 का ये भी आपको साइज मिलता है। दोनों रूम के साइज इक्वल है 10x11 में। कोई नहीं, यहाँ पे अभी फैन के पास देखोगे ऊपर फोर सीलिंग में, हमने सेम स्ट्रक्चर का यूज़ किया है वुडन फीलिंग के लिए। एंड जैसे मैंने बोला था आपको वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की हमने यहाँ दे दी है, आप इसे ओपन करवाना चाहें तो ओपन करवा सकते हैं। क्यों फैमिली, मज़ा आ गया ना आप लोगों को ये चीज़ देख के? जी हाँ, ये फ्लैट बहुत ही स्पेसियस, काफ़ी बिग साइज में आप लोगों को मिल रहा है, इतने अच्छे स्पेसेस आपको साइज मिलता है। बट जैसे मैं ऑलवेज आप लोगों को बोलता हूँ कि हमारे पास 2 BHK के जो फ्लैट है 15 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, लास्ट जो जाता है हमारे पास 25 लाख तक का 2 BHK फ्लैट आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये फ्लैट ना, प्राइस जाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ की फैसिलिटीज़ बता देता हूँ जो कि इस फ्लैट की रहने वाली है। तो जो ये 2 BHK का फ्लैट है, आपको यहाँ पे हम RO और गीज़र लगा के देते हैं। प्लस एक चीज़ और आपको मिलता है, 2 फैसिलिटीज़ आपको इस किचन के अंदर मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप लोग गैस पाइपलाइन लगवाना चाहते हो तो IGL गैस की पाइपलाइन यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस आप लोगों के लिए एक बेनिफिट और है, यहाँ पे आप लोगों के लिए गंगा जल बोर्ड का वाटर कनेक्शन है। प्लस समरसीवर तो लगा ही हुआ है, पर जल बोर्ड का कनेक्शन आपको और मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती है। अब बात की जाती है अमाउंटिंग की, 20 लाख रुपए से कम में आप लोगों को मिलने वाला है। वो भी छोड़ो, अगर ये फ्लैट आप लोग लेते हो तो इस फ्लैट के ऊपर एडिशनल 2,67,000 का डिस्काउंट अवेलेबल है, जो कि प्रधानमंत्री की ओर से। अब प्रधानमंत्री की ओर से कैसे, आप लोगों को यहाँ मिलती है सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडी अभी भी एक्टिवेट है, 2,67,000 की सब्सिडी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। यानी कि ये मान लो कि आपने 16 लाख का कोई फ्लैट लिया तो आपको 14 लाख तक का मिल सकता है 2 BHK का। जी हाँ, यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था, 67,000 तो मैंने माइनस ही नहीं किया, 2 लाख किए सिर्फ, वो भी माइनस कर लोगे तो 13.5 लाख समथिंग में चला जाएगा।
तो इतना सेपरेट, इतना प्रीमियम, इतना प्राइम लोकेशन पे ये आपको फ्लैट मिल रहा है। तो ये सारे अमाउंट जो थे बहुत ही अच्छे, पर यहाँ पे अगर आप लोग लोन पे लेना चाहते हो तो 90% तक का यहाँ पे बैंक लोन अवेलेबल है। सम कंडीशन में 90+ लोन भी हो जाता है, 100% तक का लोन भी हो जाता है कई लोगों का, वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर आप लोग चाहते हैं 90-100% का लोन पे ये फ्लैट उठाना तो आप उठा सकते हो, पर अगर आप आके बुकिंग कराना चाहते हो, ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हो, तो मात्र 21,000 रुपये पे आप यहाँ पे अपनी बुकिंग करा सकते हैं इस फ्लैट के अंदर। तो अभी करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, आपको आना है, विजिट करना है, और मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक ये बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।